ठीक है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये क्या बोला है, इफ सी इज इक्वल टू 3a - 2b देन प्रूव दैट ए बी सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो सी वेक्टर तुम्हारा दिया हुआ है, क्या सी वेक्टर है 3a - 2b। ठीक है, ये आपका इक्वेशन वन मान लो, और वेक्टर ए बी सी इक्वल टू क्या है 0। तो इसको ए डॉट बी क्रॉस सी लिख सकता हूँ, राइट, इक्वल टू 0 प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका 2 प्रूफ है, ठीक है ना। तो अभी देखो ए डॉट बी का वैल्यू नहीं पता, सी का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू क्या है 3a - 2b वेक्टर। ठीक है, इसको प्रूफ करेंगे, तो ए वेक्टर फिर b × b × 3 × a -2 × b × b। ठीक है, अगर b क्रॉस b रहेगा ना तो 0 होगा, और a क्रॉस a रहेगा तो 0 होगा। ठीक है, याद रखना। तो देखो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो b क्रॉस b है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो a वेक्टर ये क्या आ गया आपका b × a -2 × 0, राइट, यहां तक क्लियर है। तो अभी क्या करेंगे, अभी ये तो 0 हो गया, तो a वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ, a वेक्टर इंटू 3b × a। ठीक है, ये तो 0 हो गया था, उसको हटा दिया। ठीक है, अभी देखो, अभी डॉट प्रोडक्ट है, a डॉट b वेक्टर, ठीक है, अभी इसमें से क्या किया हूं मैं, 3 को मैं बाहर ले लिया, राइट, तो ये 3 को मैं बाहर ले लिया, तो 3a वेक्टर हो जाएगा, फिर b क्रॉस a हो जाएगा, राइट। तो देखो अभी b क्रॉस a क्या होगा, ये हो जाएगा 0, a से a को क्रॉस करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। देखो मैं बताया था a क्रॉस a क्या होगा, 0 होगा, a पूरा टर्म 0 हो गया, तो प्रूफ हो गया ना कि 0 होता है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, तो पॉइंट आपका दिया हुआ है, राइट, फ्रॉम द प्लेन, ये आपका प्लेन का वैल्यू दिया है। तो देखो डिस्टेंस ए द पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू पी इज गिवन बाय, ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे देते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये डी इज इक्वल टू हो जाता है ए वेक्टर नॉर्मल वेक्टर माइनस पी डिवाइडेड बाय नॉर्मल वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हम लोग को पता है a इक्वल टू क्या दिया आपका, वो वैल्यू है i + 2j - k, n वेक्टर क्या है i - 2j + 4k। ठीक है, p का वैल्यू यहां से पता है 10, p इक्वल टू क्या है 10, ये आपका नॉर्मल वेक्टर हो गया, ये r हो गया। ठीक है, इसको लिखना है r डॉट n इक्वल टू 10, तो यहां से कंपेयर किया तो n का वैल्यू ये है आपका और p का वैल्यू 10 है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग पहले निकाल लेंगे n डॉट n, ठीक है, a डॉट n वेक्टर निकाल लेंगे, a वेक्टर डॉट n वेक्टर, तो a वेक्टर का वैल्यू पता है i + 2j - k डॉट i - 2j + 4k। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, हम लोग को ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, i डॉट i रहेगा ना तो 1 होता है, और j डॉट j रहेगा तो 1, k डॉट k रहेगा तो 1,
और i डॉट j रहेगा तो जीरो, j डॉट k रहेगा तो जीरो, ठीक है, और k डॉट i रहेगा तो जीरो। तो ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे i डॉट i वन, ठीक है, टू जे माइनस टू जे तो ये हो जाएगा फोर, माइनस के प्लस फोर के तो ये माइनस फोर हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करेंगे वन माइनस एट माइनस सेवन, ठीक है, पी पता है, मॉडुलस ऑफ एन निकालेंगे, एन वेक्टर का मॉडुलस निकालेंगे, तो एन वेक्टर हम लोगों को पता है, यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से आई माइनस टू जे प्लस फोर के, तो मॉडुलस ऑफ एन क्या होगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर वन का स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, ये क्या आएगा फोर का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ वन प्लस फोर प्लस सिक्सटीन, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ फाइव प्लस सिक्सटीन दैट इज अंडर रूट ऑफ ट्वेंटी वन, ठीक है, ये आपका मॉडुलस एन हो जाएगा। तो अभी वैल्यू यहां पर डाल देंगे, तो डी डिस्टेंस क्या आएगा, ए डॉट एन कितना है, ए डॉट एन कितना निकाले हम लोग, देखो ए डॉट एन है आपका ये, तो माइनस सेवन है, पी का वैल्यू पता है टेन, और मॉडुलस ऑफ एन कितना है अंडर रूट ऑफ ट्वेंटी वन, तो डी इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस सेवनटीन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ट्वेंटी वन, तो सेवनटीन बाई ट्वेंटी वन होगा, ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, आंसर है, लिख लो। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में है, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है, तो आपका दो लाइंस दिया हुआ है उसके बीच का एंगल निकालना है, तो कैसे करेंगे बताओ। तो पहले हम लोग मान लेते हैं, लेट थीटा बी द एंगल, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइंस, ठीक है, गिवन लाइन, गिवन लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, टू द वेक्टर्स, तो अगर पैरेलल टू द वेक्टर होगा तो बी वन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये लैम्डा इन टू जो होता है ये, ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हो आर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी, ए वन बी वन वेक्टर, ठीक है, तो उसको कंपेयर करेंगे तो बी वन का वैल्यू क्या आएगा, आई प्लस टू जे प्लस टू के, ठीक है, और बी टू का वेक्टर क्या आएगा, बी टू वेक्टर ये हो जाएगा, राइट, ये कितना है आपका थ्री आई प्लस टू जे प्लस सिक्स के, ठीक है, तो एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी वन डॉट बी टू डिवाइडेड बाई मोड ऑफ बी वन मोड ऑफ बी टू, ठीक है, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे, बी वन डॉट बी टू निकालेंगे, तो बी वन वेक्टर क्या है आपका आई प्लस टू जे प्लस टू के, ठीक है, बी टू वेक्टर क्या है थ्री आई प्लस टू जे प्लस सिक्स के, तो अभी आई से आई करेंगे तो ये थ्री होगा, टू जे से टू जे करेंगे तो फोर होगा, टू के से सिक्स के करेंगे तो 12 होगा, तो ये सॉल्व करेंगे 7 प्लस 12 दैट इज 19, ठीक है, अभी मॉड ऑफ बी वन निकालेंगे, मॉड ऑफ बी वन वेक्टर, तो बी वन वेक्टर का मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 4 दैट इज 9, तो ये क्या आएगा थ्री बी वन वेक्टर मोड, फिर बी टू वेक्टर का मोड क्या आएगा, बी टू वेक्टर का मोड ये थ्री का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा नाइन प्लस फोर प्लस 36, तो ये ऐड कर लो 13 प्लस 36 कितना होता है
949 तो ये 7 आएगा राइट। तो अभी cos थीटा निकालेंगे एंगल, cos थीटा इक्वल टू b1 डॉट b2 कितना है, b1 डॉट b2 ठीक है, b1 डॉट b2 कितना है 19 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3 तो ये आपका 19/21 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 19/21 ये आंसर है आपका, लिख लो। तो सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन दिया है सो दैट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको, तो एक ट्रायंगल ले लेते पहले ए बी सी ठीक है, लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल एंड एम एंड एन बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड ए सी ठीक है। ये आपका मिड पॉइंट है एम और ये एन हो गया ठीक है, ऑफ ए सी रिस्पेक्टिवली ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में बोला है ना कि पैरेलल टू थर्ड साइड है और हाफ ऑफ इट ठीक है। तो एम एन पैरेलल बी सी प्रूफ करना है एंड एम एन इज हाफ ऑफ बी सी ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो लेट ए बी सी एम वेक्टर एंड एन वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एम एंड एन रिस्पेक्टिवली ठीक है। तो हम लोग को पता है सिंस एम एंड एन आर मिड पॉइंट ठीक है ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली ठीक है। तो एम मिड पॉइंट है, तो ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका एम वेक्टर है, ये आपका एन वेक्टर है ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एम वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय टू वेक्टर एंड एम वेक्टर इक्वल टू ए प्लस सी बाय टू ठीक है। तो और एम एन इक्वल टू क्या आएगा, एन वेक्टर माइनस एम वेक्टर ठीक है, एम एन इक्वल टू। तो अभी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, एन वेक्टर पता है क्या है, ए प्लस सी बाय टू और एम वेक्टर क्या है यहां से ए प्लस बी वेक्टर डिवाइडेड बाय टू। तो सॉल्व करो क्या आएगा बताओ, तो ये सॉल्व करेंगे तो ए बाय टू प्लस सी बाय टू प्लस माइनस ए बाय टू माइनस बी बाय टू, इससे कैंसिल हो जाता है तो 1/2 कॉमन ले लूंगा तो सी माइनस बी ठीक है। तो सी माइनस बी देखो सी माइनस बी तो आ गया ना हाफ ऑफ बी सी, तो एम एन इज हाफ ऑफ बी सी आ गया राइट। तो लिख लो, ये प्रूफ करना था, ठीक है। तो मैं सॉल्व करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो दैट नो लाइन इन स्पेस कैन मेक एन एंगल ऑफ पाई बाई सिक्स एंड पाई बाई फोर विथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ठीक है। तो वैल्यू दिया है अल्फा इक्वल टू पाई बाई सिक्स, बीटा इक्वल टू पाई बाई फोर ठीक है। तो हम लोगों को पता है, वी नो दैट कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 पता है ठीक है। तो अल्फा बीटा का वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, तो कोस स्क्वायर ऑफ पाई बाई सिक्स प्लस कोस स्क्वायर ऑफ पाई बाई फोर प्लस कोस स्क्वायर ऑफ गामा इक्वल टू 1 ठीक है। तो गामा का वैल्यू आ जाएगा, पाई बाई सिक्स कितना होता है बताओ, कोस पाई बाई सिक्स कोस 30 राइट। तो ये 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा
पाई बाई फोर वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर होता है, ठीक है, कॉस स्क्वायर ऑफ गामा इज इक्वल टू वन, तो ये हो जाएगा थ्री बाई फोर वन अपॉन टू प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ गामा इज इक्वल टू वन, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो एलसीएम फोर हो जाएगा और थ्री प्लस टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ गामा इक्वल टू वन, कॉस स्क्वायर ऑफ गामा इज इक्वल टू वन माइनस फाइव बाई फोर, तो एलसीएम फोर फोर माइनस फाइव, ठीक है, तो माइनस वन अपॉन फोर कॉस स्क्वायर ऑफ गामा, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू माइनस में आ रहा है, राइट, तो कॉस ऑफ गामा क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस वन अपॉन फोर, ठीक है, लिख लो। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ठीक है, तो ये आपका पॉइंट्स पता है ए फोर कॉमा टू कॉमा वन एंड बी इज टू माइनस वन थ्री, ठीक है, ये दो मार्क के लिए है, तो इसका वेक्टर इक्वेशन निकालना है, ठीक है, तो हम लोग पहले गिवन वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है, ए वेक्टर क्या होगा आपका, इसको लिखेंगे फोर आई प्लस टू जे प्लस के, ठीक है, बी वेक्टर क्या आपका टू आई माइनस जे प्लस थ्री के, ठीक है, तो अगर मैं ए बी वेक्टर निकालूं तो क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो कैलकुलेट कर लेंगे, ये क्या आपका टू आई माइनस जे प्लस थ्री के माइनस, तो माइनस फोर आई माइनस टू जे माइनस के, ठीक है, तो ये सॉल्व करेंगे तो टू आई माइनस फोर आई, तो ये माइनस टू आई होगा, माइनस जे माइनस टू जे माइनस थ्री जे थ्री के माइनस के, ये हो जाएगा टू के, ठीक है, ये आपका ए बी वेक्टर हो गया, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड पैरेलल टू ए बी इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो यहां पे डाल देंगे वैल्यू, यहां पे ए बी वेक्टर लिखो, तो वैल्यू डालेंगे तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, ए वेक्टर रखना क्या है, ये क्या है फोर आई प्लस टू जे प्लस के प्लस लैम्डा, ए बी का वैल्यू क्या है, ये क्या है माइनस टू आई माइनस थ्री जे प्लस टू के, तो इसको सॉल्व कर लो, चाहे इतना ही पे रखो, इसको आंसर आ गया है, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स है, ठीक है, लिखो। ठीक है, यूजिंग वेक्टर मेथड प्रूव दैट मीडियन ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो पहले एक ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये आपका मीडियन हो जाएगा ई एफ डी, ठीक है, ये इसका जी, तो कंसीडर करो, कंसीडर ए बी सी इज ट्रायंगल, लेट बी ई एंड एफ आर मीड पॉइंट्स ऑफ बी सी ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, नेक्स्ट है लेट मीडियन ए डी एंड बी ई एंटर सेक्ट एट जी, ठीक है, मीडियन ए डी एंड बी इंटरसेक्ट एट जी, ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ
थर्ड मीडियन, थर्ड मीडियन CF also passing through G. ठीक है, तो ये प्रूफ करना है तुमको, तो कैसे करेंगे? लेट स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी स्मॉल ई एंड स्मॉल एफ बी द पोजिशन वेक्टर आर पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो अभी मीड पॉइंट्स है, तो बी बी मीड पॉइंट है ना, तो बी प्लस सी बाई टू होगा राइट. तो बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा? बी प्लस सी बाई टू. ठीक है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, स्मॉल ए वेक्टर है, स्मॉल ई वेक्टर है. ठीक है, स्मॉल एफ वेक्टर है. तो फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? ई वेक्टर इज इक्वल टू सी प्लस ए बाई टू. फिर एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई टू. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं तो 2d इज इक्वल टू बी प्लस सी आएगा. फिर क्या है? 2e इज इक्वल टू सी प्लस ए वेक्टर होगा. फिर क्या है? 2f इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर होगा राइट. तो देखो 2d इज इक्वल टू बी प्लस सी है, तो इसमें अगर मैं a ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा बताओ? तो 2d प्लस a इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c. ठीक है, इसमें मैं क्या ऐड करूंगा? इसमें ए बी सी, तो देखो इसमें मैं क्या ऐड करूंगा? बी. तो ये क्या मिलेगा? टू ई प्लस बी इक्वल टू सी प्लस ए प्लस बी. इसमें सी ऐड करूंगा तो टू ए बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है, तो अभी देख सकते हैं ये तीनों साइड्स क्या है? इक्वल हो गया. तो ये आपस में भी इक्वल होगा ना. ठीक है, तो आपस में इक्वल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा बताइए? आपस में इक्वल है, टू बी प्लस ए इक्वल टू टू ई प्लस बी इक्वल टू टू ए प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी. अगर मैं तीनों साइड सबके साइड थ्री से मैं डिवाइड करता हूँ तो आपका जी का वैल्यू मिल जाएगा राइट. ये लिख लो, ये इक्वल टू जी वेक्टर होगा. तो आगे का पॉइंट्स लिख लेना, तो ये प्रूफ करता है ना कि ये जी जो है कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखता हूँ, दैट मींस जी हुज पोजीशन वेक्टर जी डिवाइड्स ईच मीडियन ए डी बी एंड सी एफ इंटरनली इन द रेशियो 2:1 थ्री मीडियंस मीट एट वन पॉइंट जी. ठीक है, हेंस दे आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, ये लिख लो. तो देखो सॉल्व करता हूँ क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. ठीक है, दो लाइन्स है, एक और दो. ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे, तो क्या आएगा बताइए? ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको. तो गिवन क्या है आपका? लाइन्स 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस 3y प्लस 5z इक्वल टू माइनस 9. ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ अबव प्लेन इज. ठीक है, तो क्या मिलेगा? ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 3. ठीक है, इसको इधर ले लो तो ये माइनस हो जाएगा प्लस लैम्डा. ये क्या बन जाएगा? 4x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 9. ठीक है, इक्वल टू जीरो हो जाएगा. इसको इक्वेशन 1 ले लो.
ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स कॉमन ले लेता हूँ और टू भी, तो क्या मिलेगा, एक्स कॉमन लिया तो टू प्लस फोर लैम्डा, फिर वाई कॉमन लिया इसमें से और इसमें से, तो क्या मिलेगा माइनस वन माइनस थ्री लैम्डा, फिर जेड लेता हूँ कॉमन तो क्या मिलेगा वन प्लस फाइव लैम्डा, ठीक है, फिर क्या मिलेगा माइनस थ्री और ये हो जाएगा आपका नाइन लैम्डा इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू एवं प्लेन, हाँ क्या आ जाएगा इसका लॉ, डायरेक्शन रेशियो क्या आ जाएगा, तो एक्स का क्या है टू प्लस फोर लैम्डा, ठीक है, और दूसरा क्या होगा माइनस वन माइनस थ्री लैम्डा, ठीक है, टू प्लस फोर लैम्डा माइनस वन थ्री लैम्डा, फिर क्या है जेड वन प्लस फाइव लैम्डा, ठीक है, दूसरा क्या आएगा तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन एक्स प्लस वन बाई टू हो जाएगा, ये दिया है ना, इसका लगाओ इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, इक्वल टू क्या है वाई प्लस थ्री बाई फोर और जेड माइनस थ्री बाई फोर फाइव है, राइट फाइव, तो इसका डायरेक्शन रेशियो टू फोर फाइव होगा, इज क्या हो जाएगा टू फोर एंड फाइव, ठीक है। तो नॉर्मल ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू लाइन है, राइट, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नॉर्मल ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू लाइन, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे टू डालना, राइट, ये एक्स डालना, ये वाई डालना, जेड डालना, ये टू ले लो, पुटिंग टू इन फर्स्ट, क्या मिलेगा एक्स की जगह पे टू डालना है, तो टू इन टू टू प्लस फोर लैम्डा, ठीक है, फिर वाई की जगह पे फोर डालना है, तो फोर माइनस वन माइनस थ्री लैम्डा, प्लस जेड का वैल्यू क्या है फाइव, तो फाइव इंटू क्या है वन प्लस फाइव लैम्डा, इसमें क्या है माइनस थ्री प्लस नाइन लैम्डा इक्वल टू जीरो, ठीक है। अभी ये सॉल्व करोगे तो लैम्डा का वैल्यू आता है माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी माइनस फाइव बाई ट्वेंटी वन, ठीक है, तो ये लैम्डा का वैल्यू ना तुम यहाँ पे डाल देना तो आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ तक लिखो फिर मैं बताता हूँ आगे। हो गया क्या, ओके, इसके आगे का पॉइंट्स लिखो,
देखो आगे का पॉइंट क्या होगा, देखो आगे का पॉइंट जो होगा वो हो जाएगा आपका ये लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे डाल देना है इस नई सिचुएशन, तो क्या मिलेगा 2, राइट। तो वैल्यू डालेंगे तो क्या मिलेगा 2x-y+z-3 और लैम्डा का वैल्यू है -5/21, ये हो जाएगा 4x-3y+5z+9=0, ठीक है। तो ये सॉल्व करोगे तो 11x-3y-2z-54=0 आ जाएगा, राइट। ये लिख लो वैल्यू, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है आपका, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, लिख लो, ठीक है, सॉल्व करेंगे अभी। क्या निकालना है, फाइंड एंगल बिटवीन प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर, ये आपका वेक्टर दिया है, ठीक है, ये प्लेन्स का वेक्टर इक्वेशन दिया, ठीक है, दो प्लेन्स है, ठीक है। तो अभी सॉल्व करेंगे कैसे निकालना है, ठीक है, तो सॉल्व कर लेंगे r.2i+2j-3k=5, r.i-2j+3k=7, ठीक है, इसको 1 मान लो, ठीक है। तो इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है, नॉर्मल n1 वेक्टर कितना आपका 2i+2j-3k, ठीक है। नॉर्मल 2 वेक्टर कितना है, i·2j·3k, ठीक है। तो इसका p1 डिस्टेंस कितना है 5, इसका p2 डिस्टेंस कितना है 7, ठीक है। तो लेट थीटा बी एंगल बिटवीन प्लेन, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, राइट, डिवाइडेड बाय मोड n1 वेक्टर मोड n2 वेक्टर, ठीक है ना। अभी ये सॉल्व कर लेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, तो cos थीटा इक्वल टू n1 वेक्टर लिखेंगे ये, ठीक है, डैश 2i·2j-3k, ठीक है, डॉट ऑफ, इसको बाहर ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो फिर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या निकालना है, n1 डॉट n2 निकालना है, तो n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर, तो क्या हो जाएगा n1 का वैल्यू